जंगल में जानवर चाहे छोटा हो या बड़ा, हर किसी को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा जाता है। और बात अगर राइनो और एलिफेंट की करें तो इन दोनों का आमना सामना होने पर हार जीत का फैसला करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोनों ही जानवर आकार के मामले में बहुत ही ज़्यादा भारी होते हैं। आप जरा इसी एलिफेंट को देखिए, किस तरह ज़मीन पर पैर मारकर उस राइनो को डराने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। देखा जाए तो एक जगह हाथी, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर, विशाल और होशियार जानवर है, दूसरी तरफ राइनो, जो अपनी सींग और ताकत से किसी भी बड़े से बड़े जानवर पर भी हमला कर सकता है। वहीं अगर इन दोनों जानवर का आमना सामना हो जाए तो हार जीत का फैसला करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप ज़रा इसी एलिफेंट को देखिए, किस तरीके से वो अपनी सूंड से उस राइनो को मार मार कर भगाने की कोशिश में लगा हुआ है। जबकि देखा जाए तो हाथी कद में और ताकत में उस राइनो से बड़ा होता है, इसके बावजूद भी वो राइनो उस हाथी से डर कर नहीं बल्कि उससे डट कर उसका सामना कर रहा है। और देखा जाए तो राइनो की बड़ी सींगी हाथी को डराने के लिए काफ़ी होती है। शायद तभी ये हाथियों का झुंड उस राइनो से डर कर अपने कदमों को पीछे की तरफ ले रहा है। हालांकि हाथी जैसा जानवर जिसके सामने बड़े से बड़े जानवर भी आने से डरते हैं, मगर इस राइनो ने उस हाथी के सामने